मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ना खाएंगे ना खाने देंगे तो इतने शौचालय क्यों बनवा रहे भाई? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन ना तकलीफ हमारे चुटकुले फास्ट डील, तुरंत लगाओ तुरंत आराम, झंडू बाम, घड़ी साबुन है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप लोग ताली वाली इसलिए मैं कहता हूँ बजाने के लिए, क्योंकि करने से होता है। बाबा रामदेव कहते हैं ना, करो करो करने से होगा, जबकि बाबा की खुद नहीं हुई है, क्योंकि जब बाबा की होगी तब बाबा को होगा। अच्छा, बाबा ने अच्छे खासे बिजनेसमैन को, जितने भी काम धंधे में लोग लगे हुए थे उनको योगा में लगा दिया, और खुद योगा छोड़ के काम धंधे में लग गए। अच्छा, हंसना भी बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, इन दिनों बहुत जरूरी है हंसना मुस्कुराना, बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी तुरंत पूछ लेता है क्या कांग्रेस के आदमी हो क्या, तो आदमी भी तुरंत जवाब देता, नहीं भैया हम अपनी औरत के आदमी हैं। तो चाहे वो अपनी औरत का आदमी हो चाहे कांग्रेस की औरत का आदमी हो, इस समय दोनों दुखी हैं। लेकिन मैं यूपी का आदमी हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, जहां की पूड़ियां कड़क को नेता मुलायम होता है। हमारे एक नेता है, हालांकि अभी समय साइकिल वाइकिल पंचर हो चुकी है उनकी, तो वो जो बोलते हैं या तो खुद समझें या तो खुदा समझें। हमारे वतन में काम किया माननीय, और हमारे यहाँ तो एक चलन है, जो यूपी का होगा वो जानता होगा कि 5 साल बहन जी रहती हैं, 5 साल भैया जी रहते हैं, ऐसे चलता था वहाँ पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, आप इस समय अगर लखनऊ जाएं, नवाबों का शहर कहते थे लोग, अभी गया है, अभी वो पत्थरों का शहर हो गया है। मायावती ने इतनी मूर्तियां लगा रखी हैं, इतनी मूर्तियां लगवाई हैं। एक दिन तो मैं एयरपोर्ट से उतरा, मैंने कहा कि ड्राइवर से कहा यार ये बड़ी हाथी माथी लगा रखा है, बोले नहीं साहब इसमें ध्यान से देखो इसमें 2-4 मायावती भी हैं। तो इस समय तो वहाँ योगी शासन है, और योगी जी बिल्कुल मोदी जी का कहा कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो पट्टा ना पटाई से ना पटाने दे रहा है। मैं मुंबई पिछले 10 साल से रह रहा हूं, तो मैंने देखा मुंबई और यूपी में बड़ा अंतर है। मतलब यहाँ पे सड़क पे लिखा होता कृपया वहां धीरे चलाइए, हमारे यहाँ लिखा होता चला पाए तो चलाएं वरना गली में जाइए। यहाँ की सड़क खराब होती तो लिखा होता कष्ट लिए खेद है, वहां की सड़क खराब होती तो लिखा होता कष्ट लिए खोदा गया है। यहाँ के गार्डन पे लिखा होता कृपया फूल मत तोड़िए, हमारे यहाँ तो गार्डन होता ही नहीं है, गार्डन अगर होता तो लिखा होता कम से कम 2-4 पत्ती तो छोड़िए। और यहाँ की दारू की दुकान पे लिखा होता दारू पीना दंडनीय अपराध है, हमारे यहाँ लिखा होता माननीय नेताजी का आशीर्वाद है। अच्छा, एक और वहाँ पे समस्या है, यहाँ पे आप टैक्सी चलती है, ऑटो चलता है, हमारे यहाँ टेम्पो चलता है। टेम्पो में 25-25, 30-30 सवारी एक साथ बिठाते हैं, मतलब पकड़ पकड़ के बिठाते हैं, क्या फूस देते हैं, चल बाइट चल बाइट, अरे नहीं हमें पल्ला दे, अल्ले बाइट धार। 25-30 सवारी एक साथ बिठा देते हैं, जहां टेम्पो खड़ी होती है वहां से आधा आधा किलोमीटर दूर टेम्पो ड्राइवर सवारी पकड़ता है, एक सवारी एक सवारी एक सवारी एक सवारी एक सवारी, पहले हम यही काम करते थे, तो आधा किलोमीटर दूर सवारी पकड़ना शुरू करता है। जैसे एक आदमी को लेके जाता है उसमें से एक टेम्पो ड्राइवर उतर जाता है, 5-6 ड्राइवर मिलके एक टेम्पो भरा रहे होते हैं, कोई सवारी एक नहीं बैठी होती है, एक दद्दू पकड़ लिया, बोले चलो 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 कहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बोले कहीं तो जा रहे हो, बोले हम सुलभ जा रहे हैं, बोले चलो अगले चौराहे पर अच्छा बना, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। एक आदमी अंदर बैठा कह रहा देखो यार हमको कहाँ ले जा रहा है, हमको जाना इधर है, हमको ले जा रहा उधर है, तो दूसरा कह रहा शांत बैठो यार हम अपना मेहमान छोड़ने आए, हमको बैठा ले जा रहा है, तो तीसरा कह रहा तुम दोनों शांत बैठो यार हम ट्रैफिक हवलदार हैं हमको बैठा ले जा रहा है। एक आदमी को अगले चौराहे पे उतारा, उससे उतारते पूछा वे पैसे दो, बोले वे पैसे दो देख के बैठा रखो यार हम खुद ड्राइवर हैं हम सवारी ढूंढने निकले थे, मेरी भरी भराई टेम्पो वहां रह गई है तुम हमको यहां ले आए। जो ड्राइवर सीट है उस पर 3 सवारी बैठी होती है, जिस पर ड्राइवर बैठता है तो 3 सवारी बैठी होती है, चौथी सवारी जबरदस्ती बैठ जाएगी तो तीसरी सवारी चिल्लाएगी पुड़िया दबके पुड़िया दबके पुड़िया, ये क्या था हाथ है हाथ, बोले ये पैर है,
बोले सब एक ही जगह घुसेड़ो फुड़िया ने, तभी और क्या दबेगा। हाँ, चार आदमी बैठा हुआ, पांचवा आदमी बीड़ी पीता हुआ आ गया। जरा जरा घुसको। कहाँ घुसको, हम लोग के सर पर बैठोगे? अरे हम नहीं बैठेंगे, टेम्पो कैसे चलेगा, हम ड्राइवर हैं। तो वो सवारी एडजस्ट कराता है, ऐसा करिए किनारे वाला भाई साहब, ऐसा करिए अपना मुंह शीशे में भिड़ाइए, और दूसरे वाले भाई साहब ऐसा करिए पैर पे पैर चढ़ाइए, और तीसरे वाले भाई साहब ऐसा करिए पैर में जगह बनाइए, हम गेयर फंसाएंगे, और चौथे वाले खड़े हो जाइए, जब टेम्पो चलने लगे जगह बन जाए तब बैठिएगा। जो ड्राइवर होता है वो लटक के सवारी हैंडल कर रहा होता है, एकदम टिका के, पता नहीं कैसे टिका लेते हैं। ए दादी, ए चाची, ए भाई। जो चौथी सवारी होती है वो स्टेयरिंग पे होती है, उसको लगता है टेम्पो वही चला। वो ड्राइवर से कहता, भैया देख रहे ना हमारा बीमा नहीं है? ड्राइवर कहता, वो तो सही है, पर ये बताओ तुम चारों में एक्सीलेटर पे पैर कौन रखे भी?